नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल केटी पटनायक ने लोंगडिंग और तिरप जिले के खोंसा में विभिन्न विभागों के प्रमुखों और गांव बूढ़ाओं के साथ किया संवाद। जिले के सभी नागरिकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के साथ ही साक्षरता दर बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सरकार राज्य के त्वरित विकास के लिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर दे रही है जोर। केंद्र ने शियोमी जिले के तातो से मोनिगोंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH913 के अपग्रेडेशन के लिए आवंटित किए हैं 625 करोड़ 61 लाख रुपए। सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान में आज मनाया जा रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए देशवासियों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में दान देने की अपील। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक TCL रीजन के दौरे पर है। राज्यपाल ने आज लोंगडिंग में विभिन्न विभागों के प्रमुखों और गांव बूढ़ाओं के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने अधिकारियों से जिले के सभी नागरिकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के साथ ही साक्षरता दर बढ़ाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा है कि स्कूलों में ड्रॉपआउट की समस्या से निपटने और योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने में गांव बूढ़ाओं की भूमिका अहम है। वो जब भी आएगी तो वो लिखाई पढ़ाई का काम करेगी, लेकिन इससे पहले आप गांव में जाके, दूर दराज के इलाकों में जाके उन लोगों को पता करो उनके बारे में कि जो अभी तक इनसे इनका लाभ नहीं मिला है, उनका डाटा लेके आओ ताकि वो जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। जन औषधि की जो फैसिलिटी है, जहाँ पर गरीब लोगों को दवाइयाँ कम रेट्स में, बहुत ही कम रेट्स में मिलेंगी, वो 10,000 ऐसी इनके शॉप्स या ऑफिस खुल चुके हैं और उन्होंने घोषणा की है कि 10,000 से बढ़ के 25,000 जन औषधियों की जो है दुकानें खुली जाएंगी, जहाँ पर सस्ते दाम में आपको दवाइयाँ मिलेंगी। दीदी और ड्रोन, ये ड्रोन के जरिए आपको दवाइयाँ पहुँचा सकती हैं, ड्रोन के जरिए आपके पास पहुँच सकती हैं। तो ये सारा काम महिलाएं करेंगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आज शामिल हैं। इनकी सिखलाई होगी, ट्रेनिंग होगी, इनको बताया जाएगा। तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए एक आम आदमी को, व्यक्ति को या महिलाओं को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने तिरप जिला मुख्यालय खोंसा में विभागीय प्रमुखों और गांव बूढ़ाओं के साथ बैठक की। राज्यपाल ने गांव बूढ़ाओं से गांवों में स्वच्छता को बनाए रखने में शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में सक्रिय योगदान का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नागरिकों का डेटा एकत्र करने और उन्हें योजनाओं से जोड़ने को कहा। स्वच्छता हो, बीमारी घटे, हमारे बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले और आपका गांव एक रूरल गांव होने के बावजूद भी एक डेमोंस्ट्रेशन के तौर पे एक मॉडल विलेज कहलाए। जो स्मार्ट सिटी की बात आजकल लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर स्टेट को बता रहा हूँ कि सिटी को स्मार्ट बनाने की बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिटी जो है बजट प्लानिंग के फैली हुई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार टीम अरुणाचल की भावना के साथ राज्य के त्वरित विकास के लिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर जोर दे रही है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया है कि नए जिला मुख्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए,
तीन डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़, हाई कोर्ट बिल्डिंग के लिए 50 करोड़, पापुमपारे ज़िले में 1000 कैदियों की क्षमता वाले सेंट्रल जेल के लिए निर्माण के लिए 40 करोड़, स्पेशल पैकेज के तहत अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए 25 करोड़, न्यू जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़, 10 जिलों में 14 स्थानों पर पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए 30 करोड़ और पीटीसी बंदरदेवा के अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में शियोमी ज़िले के तातो से मानिगोंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH913 के अपग्रेडेशन के लिए 625 करोड़ 61 लाख रुपए आवंटित किया है। चीन सीमा से लगे बॉर्डर विलेज में बेहतर कनेक्टिविटी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही मौसम के अनुकूल सड़कों के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार स्ट्रेटेजिक इंटरमीडिएट लेन रोड के विकास पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दृष्टिकोण से देश की सर्वाधिक पसंदीदा पार्टी है। आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 40 बार दोबारा जनादेश पाने की कोशिश की, लेकिन केवल 7 बार उसे सफलता मिली। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर से जनादेश पाने के 39 प्रयासों में 22 बार दोबारा सत्ता में आई है। श्री मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी अपनी शक्ति बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, निर्धन और किसान, जिनके प्रति पूरा न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा सांसदों और मंत्रियों से 12 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने को कहा है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव का जिक्र किया। मैं मोदी जी की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये 3 तलाक को बंद कर दिया। जो 3 पॉइंट है मेनली, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। जैसे कि जो 3 तलाक जो है, इसके ऊपर में एक नया कानून बनाया गया है जो 30 जुलाई 2019 को पास किया है, और इसके मुताबिक जो तलाक सिस्टम था उस चीज़ को मतलब अभी जो है बैन कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको ये घोषणा किया गया है। तो अभी उसके ऊपर में अगर कोई किसी ने इस चीज़ को मतलब फिर से अप्लाई करना चाहता है तो उसके ऊपर में फिर ये कानूनी जुर्म होगा, उसको पनिशमेंट होगा 3 ईयर्स का। देन आफ्टर दैट फिर ये है दूसरा जो पॉइंट है मैनम फ्री हज। तो इस पर भी अभी जो मोदी सरकार जो है उसने क्या किया कि ये जो फॉर्म पहले जो भरना पड़ता था पिलग्रिमेज जाने के लिए उसका 300 रुपीज़ लगता था, तो उस पर सिलेक्शन होगा ना होगा उसका गारंटी नहीं था। लेकिन अभी क्या कर दिया कि फॉर्म को जो है 300 रुपया उसका टोटली मतलब माइनस करिए अभी फ्री हो गया। उसके बाद फिर 50,000 रुपीज़ उसको रिडक्शन कर दिया, मतलब पहले जो लगता था 3 लाख या फिर 3.50 लाख कुछ लगता था, तो अभी 50,000 डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो ये हो गया इसका मेरम फ्री हज। उसके बाद फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल है 3rd पॉइंट, तो इसमें 1/3 ऑफ द वुमेन लोग को क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लोकसभा है उस पर मतलब रिजर्वेशन दिला दिया अभी। उसके बाद फिर ये ST/ST लोग का भी जो रिजर्वेशन था 1/3 का उसमें भी फिर रिडक्शन करके मतलब ये रिजर्वेशन करके ये लोग को सीट दिला दिया अभी। तो यही चीज़ है, इसलिए हम लोग इसी के लिए मतलब मोदी जी को। कांग्रेस विधायक दल के नेता ए रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री रेड्डी को हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में एक समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने पद की शपथ दिलाई। वो तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने। श्री रेड्डी के अलावा उनके मंत्रियों के 11 सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मल्लू भट्टी विक्रमक्रा और तेलंगाना कांग्रेस के पूर्व प्रमुख एन उत्तम कुमार रेड्डी शामिल है। मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले 8 अन्य मंत्रियों में श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, दाना अनसुया, तुमला नागेश्वर राव, कोंडा सुरेखा और जपुली कृष्ण राव शामिल है। శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని
दैव साक्षिगा प्रमाणम चेस्तुन्नानु। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। यह दिन सशस्त्र बलों की शहीदों और सैनिकों के सम्मान के प्रति प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में दिल खोल कर योगदान करने की अपील की है और कहा है कि वे वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों में शामिल हों। रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय की देखभाल, सहायता, पुनर्वास तथा वरिष्ठ सैनिकों के उपचार, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों की सहायता के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं में योगदान दे। उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। मैं आज़ादी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर आपका आह्वान करता हूँ कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। आपसे जितना बन सके आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मुझे आशा है कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। कुरुंगकुमे जिले के पोखरियांग एसडीओ ऑफिस में राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने जिले में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अमल की समीक्षा की। जिला स्तरीय निगरानी समिति के तीसरे क्वार्टर की बैठक में श्री फेलिक्स ने चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ न्यापिन विधानसभा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने पर भी चर्चा की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री गडकरी ने राज्य सरकारों से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। सिक्स लेन हाईवे विद सर्विस रोड ऑन ईदर साइड। आई नाउ रियलाइज दैट द सर्विस रोड वाज कैंसल्ड कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द लोकल फार्मर्स। Honorable Speaker Mahoday, need cooperation from all the stakeholders related with road accident. It is a very unfortunate. It is a loss of GDP of 3.14%. And the most unfortunate thing is 67% deaths belong to 18 to 45 years. The young people now, they are facing this problem. And I am very sorry. Unfortunately, it is not a good success story of my department. That we are trying our level best from last 9 years, but we are not in. केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री रेड्डी ने कहा कि बॉर्डर और रूरल एरियाज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे शुरू करने वाले सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, महिलाओं को टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण और हाई स्कूलों से लेकर पीजी तक देश के सभी शिक्षण संस्थानों में युवा टूरिज्म क्लब खोले जा रहे हैं। आज भारत में टूरिज्म दृष्टिकोण से भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर अलग अलग कदम उठा रहे। अभी महिलाओं के लिए जो क्वेश्चन में पूछे हैं उसमें रूरल होम स्टेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर अलग अलग प्रांतों में स्पेशली आगामी 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के 5 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ईटानगर में आयोजित इंटरेक्शन प्रोग्राम में अरुणाचल ओलंपिक संघ के सचिव बामांग तागो, खेल विभाग के निदेशक तादर आपा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल के उपाध्यक्ष संजीव ताना सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मेरा जितने भी एथलेट्स है अच्छा से जाए, रास्ते पे कुछ घटना ना हो और खेल के आए, अच्छा से खेल के आए और मेडल लाए, मैं आशा करता हूँ। तवांग जिले के जांग क्षेत्र के दुंगसे ग्राम पंचायत विकसित भारत संकल्प यात्रा में गाँव के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर अपना अनुभव साझा किया।
इस अवसर पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी गाइडलाइंस के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। लोहित जिले के तेजू, चांगलांग जिले के यांगकांग ग्राम पंचायत और अपर सियांग जिले के गेकू, पेराम और सामसिंग ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने योजनाओं के लाभ पर अपना अनुभव साझा किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं 6:30 से लाइव। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।